जुहान बोल ना, तुम भी थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लो हमारे मेहमान जुहान जुहान के लिए। जुहान आंटी को बोलो, आंटी कुछ बोलते हैं, बोलो आंटी कुछ बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं तो बोलते हैं। आज मेरी छोटी बहन शूट कर रही है, मैं ना खाली बोल शूट नहीं करते, बोलते भी है ब्लॉग के। तो यहाँ पे जुहान अभी खेल रहा है, जुहान को जो है ना मैं भी तैयार करने लगी हूँ। और देखो मेरी दोनों बच्चियाँ, ये देखो इन दोनों को देखो, और कुछ नहीं मिली जगह, ये नीचे बैठा के लेट गए हो हैं। चलो दोनों यहाँ पे खेल रही है, मोबाइल देख रही है, और मैं जो अभी तैयार हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ तैयार होकर कमर में सेट कर दी हूँ अपना। कमरा सेट करने के बाद जुहान को तैयार करूँगी, फिर थोड़ा सा बर्तन धोऊंगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे, मुझे जाना है किसी काम से ना, तो मैं फिर जुहान को लेके जाऊँगी, बस जुहान को लेके जाऊंगी। जुहान ये भी रहेगी छोटी बहन के पास, ठीक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह गुड न्यूज़ है, हज पे जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 9 तारीख को जा रहे हैं हज पे। अम्मी जा रही है मेरी 9 तारीख को, माशाल्लाह अल्लाह पाक को 7 फेरे से लेके जाए, 7 फेरे से लेकर आए। अम्मी जा रही है माशाल्लाह हज पे 9 तारीख को, तो उनकी तैयारी कर रही है, उनके लिए भी जा रही है, थोड़ा काम है, थोड़ा को सामान वामान लेना है अम्मी के लिए, तो वहाँ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अम्मी को जब छोड़ने जाएंगे एयरपोर्ट तक शेयर करेंगे। तो मैं पहले से नहीं बताऊँगी, मैं क्या हुआ एक मिनट, मैं तो पहले से नहीं बताऊँगी, जब जाने का पूरा कंफर्म हो जाएगा फिर मैं बताऊँगी। तो अब माशाल्लाह जाने का कंफर्म हो गया है, डेट भी आ गई है, 9 तारीख को निकल रहे हैं, मतलब 9 के 1 बजे की फ्लाइट है, मतलब कि 8 बजे इनको 8 तारीख को उनको वहाँ पहुँचना पड़ेगा एयरपोर्ट पर, 8 तारीख को 6 घंटे पहले। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको हज की सआदत नसीब करे, हम सबको भी अल्लाह पाक की तौफीक दे कि हम लोग भी जाएं अपनी अपनी फैमिली के साथ। अगर नहीं जा पाते तो अल्लाह की मर्जी, लेकिन अल्लाह दिल में चाह तो होनी चाहिए ना भाई, सही क्यों मैं सही चाह होनी चाहिए दिल में कि अल्लाह पाक सबको हर उम्र की सआदत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। सबसे पहले हमारे माँ बाप को, आमीन, फिर हमें। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने अभी जुहान के ये कपड़े निकाले हैं, गर्मियाँ शुरू हो गई है, मैंने शॉर्ट्स वगैरह निकाली है जुहान के, जुहान को ये पहना के तैयार कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा रख के जा रही हूँ क्योंकि बच्चा है ना, कभी भी पोती पीछी कर देता है, इसलिए छोटे से गुटी पकड़ लियो जू जुहान के साथ नहीं खेल रहे आप, जुहान के साथ नहीं खेल रहे, जुहान की वॉकर पे बांधा हुआ दुपट्टा इन लोगों ने, यूं खेल रहे जुहान को। जुहान अकेले से आ रहे नहीं, जुहान जुहान देखती है, जुहान भैया के बोला हो जाए पाँव पे लग जाए, वो देखो जुहान खेचती भी आई, हट जाओ लग जाएगी उसको, हट जाओ सुहा लग जाएगी भाई को, ये जो ना बेटा रहता है अंदर, आई भी आई ना, कोई मूवमेंट नहीं करता, हाँ पापा लेकर आए तभी दवाई पिलाती हूँ, कोई मूवमेंट नहीं करता, बैठा रहता है कितना, बस बैठ के ना खिलाते रहो खिलाते रहो, मैं चलूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं। मेरी बहन ने ना कल बिठाया था बेड पे ना, वो लागे कंबल लगा के बिठा दिया था, इतने बड़े बच्चे बैठते हैं छह पाते हैं ना, मैं इतने बड़े बच्चे बैठते हैं, इधर पता नहीं क्या चेक कर रहा है दराज में, क्या चेक कर रहा है भाई, भैया क्या चेक कर रहा है दराज में, बिल है बिल, बिल है अंकल, मारते हैं अंकल, अंकल मारेंगे, बिल है इधर आप पीछे क्यों बैठे हो तुम, अरे दंजिया बच्चे पीछे बैठे हो, ये चड्डी किसने बनाई है इसको, मैं मैंने बनाई थी, तूने इसकी सूट की चड्डी खराब कर दी, वो इसने पीछे कर दी थी, सूट की चड्डी खराब कर दी आप ही ने, है आनी ने सूट की चड्डी खराब कर दी हमारी, पूरा सूट खराब हो गया। ओए ओए आ जाओ मुंह धुला के लाए, पहले बक्का बक्का धो ले उसके बाद तैयार करती हूँ, पहले जहान का मुंह धुला के लाऊंगी मैं आराम से, आ जाओ भाई बार बार त्याओ बार बार त्याओ बार बार त्याओ, ये देखो लो उसकी हालत देख, अल्लाह ही तोड़ेगी मैं, ये देख दो उतरो उठो उठो अल्लाह, आपकी बारी, अच्छा बारी भैया की है, अज्जू तो बैठ सकते हैं ना, हाँ अजान ही बैठ सकता है, तो अज्जू को बैठा, नहीं अजान ही बैठा चलता है, तुम लोगों को बड़ी मस्ती है ना बड़ों बड़ों को कि बड़े बड़े बैठे बच्चे, चल बैठते बेटा जुहान भी है, नहीं बिल्कुल ना लेना, चलो दीदी मुंह धो लो, ऐसे करके मुंह धो लो, पता है नहीं पानी नहीं आ रहा था, ये मैंने पानी की मोटर चला के लगी, हाँ उस देख भी आ रहा था वॉश बेसन, तो मुझे हंसना करते कुछ होता है, कुछ होते हैं मेरे मुंह में, कुछ होते हैं मुंह धो के, कुछ होते हैं मैंने गुजी छाप छाप हो गए, देखो छाप छाप हो गए कितने छाप छाप हो गए, देख है ना, चलो नहीं नहीं बोली बैठ रहा जो हाथ पड़ो, बोली बैठे कटर मट निकाल लिया,
दो इधर, वो देखो कान में डाला कॉटन बटन। चलो भैया मैं भगवान को पहले रेडी करूँ, उसके बाद ऑर्डर का है जोहर का भैया। अब मैं जल्दी से फटाफट दुकान को रेडी करके ना फिर आपसे मुलाकात करती हूँ, फिर मैं भी किचन में इनकी फिटर होने जाऊँगी। यहाँ पे मैंने कुछ सामान मंगाया है बच्चों के लिए। अच्छा ये केले आ गए, मैं शुक्र है इस वक्त साफ लाए, वरना मैं कैसे खराब के लिए लाते हैं। केले साफ सब लाए माशाल्लाह, ये देख ले अब साफ लाए हैं, इसको डालते हैं इसमें। यार बच्चे जो है ना माशाल्लाह से सुबह भी खा लेती है, सुहान भी खा लेगा माशाल्लाह, अजलान भी खा लेगा माशाल्लाह, ठीक है। मैं ये बच्चे हैं छोटी अपनी बच्चियाँ खाए ना, उनको दे दी सही, इसलिए ये चोरें खाएगी हाँ। भी कोशिश कर रही हूँ, चलो इसको रख देती हूँ टेली पर, ठीक है। अगर रख रही हूँ बच्चियाँ जो भी मांगे बोले ऐसे खा लो, ठीक है। अच्छा अब और दूध वगैरह मंगवा लिया, मेरे पानी गर्म कर लिया था सुहान का, या साबुदाना भी आ गया भाई साबुदाना। अभी आ गई ना मेरी छोटी बहनी, मज़े मज़े के खाने बनाए थे बच्चों के लिए, क्योंकि सूजी बनाऊँगी हद से बनाऊँगी, मैं बना मेरे जुआन भी खाएगा इधर साबुदाना। चलो मैं इसको किसी ज़्यादा थैली में रखे या किसी डब्बे में डालती हूँ ऊपर, ठीक है। ये मैं यहाँ रख रही हूँ उधर, सही है ये भी, और सूजी में क्या रखी हुई है, ठीक है भाई भुनी हुई, तो ये पर मैंने ये रखी साफ। और यहाँ पे जो है ना अभी बच्चों का दूध डाल रही हूँ, जोहान का दूध। अच्छा यहाँ पे आ गया जोहा का नीडो, और ये आ गया मेरे जोहान का भी लगने लगेगा। और यहाँ पर देखा सामान मैंने मंगवा लिया, ये सब कुछ मसाले थे जिसमें से है ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर, ठीक है। मैं ये सही हवा आ गया, ये आ गया प्याज, मतलब प्याज ऐसी महंगी हो रही है 200 रुपये किलो, ठीक है। ये प्याज हो गई, प्याज तो डाल देते प्याज के, ठीक है। मैं हम लोग प्याज मेरी हो गई थी ख़त्म, तो अभी तो और जगह प्याज कितनी महंगी होगी उसमें मुहर्रम में और उसमें बकरीद पे, यहाँ पे तो खतरनाक महंगी होगी प्याज। चलो टमाटर ये वाले यूज़ कर लेना फिर खाने में। यहाँ पर मंगवाई हमने चिकन की कलेजी और पालक, आज बन रहा है हमारे किचन में चिकन और पालक, ठीक है जनाब। ये आ गया हमारा सारा सामान, अगर एक्स्ट्रा शोपर होंगे उनको हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ फटाफट फटाफट डाल देते हैं दूध का डब्बा और बच्चे को दूध दाखिल कर देते हैं। मैं डाल दूँगी, छोड़ दे पहले छोड़ दे, मैं डाल दूँगी बच्चे को, हाँ डाल दूँगी, तो सब काम निपटा लेते ना। चल मैं ये तो डाल देती हूँ, यूज़ हो गया ना बाकी, यहाँ पे दुकान का डाले, देख किसका। चलो यहाँ पे हनी कर रहे हैं अपने कपड़े इस्त्री कर रहे हैं हनी, और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, वो देखो कैसे छोटा मुन्ना वो लगा के फिर रहा है कुर्सी लगा के, और मेरा जो है ना जुहान, मेरा जुहान तो सो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो देखो वो अपना दूध पीते ही ना वो सो गया। और यहाँ पे भी खाना पकाने की तैयारी चल रही है, यहाँ पे चल रही है कलेजी बन, कलेजी साफ हो रही है, ऊपर कर लूँ मोबाइल, ऊपर कर लूँ मोबाइल जीत आ जाएंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, आई होप के सब खैर वापस से होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से मोहब्बत से और प्यार से। तो यहाँ पर अभी एक छोड़ रहा है काम, थोड़ा सा अभी कपड़े जो धुले हुए थे वो उतार के लाई हूँ, उसको तय करते हैं अभी, तय करके जिसके जो कपड़े वो अलमारी में लगाते हैं, जोहर के अलमारी में, जोहान के जोहान के अलमारी में, जो मेरे कपड़े होंगे वो मेरी अलमारी में जाएंगे। तो गर्मी इतनी हो रही है आज बाहर, तो इस कड़क कटर की गर्मी हो रही है, असल में अब गर्मियाँ आ गई हैं, अब तो डेली बेस पर डे बाई डे ना गर्मियाँ बढ़ती रहेंगी, ये तो गर्मी बढ़ रही है ऊपर से महंगाई खतरनाक बढ़ रही है। 1000 रुपये दो, 1000 रुपये से हो गए जैसे 100 का नोट, मतलब दो तो कुछ भी नहीं आता, वैसे सब्ज़ी भी नहीं आएगी उसमें, कि मतलब अगर टमाटर मंगवा लिए, प्याज मंगवा ली, एक सब्ज़ी मंगवा ली और बस ख़त्म, और कुछ भी नहीं आता। वरना पहले 1000 रुपये जो है ना, मतलब उसमें राशन भी ले लेता था, अब से 1000 में सब्ज़ियाँ ही आती हैं, प्याज वगैरह ही, और कुछ भी नहीं आता। और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, और सबसे ज़्यादा हो गया बिजली पे, इसके 2 रुपये बढ़ गए, ये जो इन्होंने बिजली के ना इंसान के दुखती रख पे हाथ रखा हुआ है कि बिजली पैसे बढ़ाओ, अगर ये बिजली तो बंदा यूज़ कर रहा होता है ना, और फिर अब सोलर पर टैक्स लगा दिया, मतलब जो आसमान से दे रहा है ना आपको लाइट, जो उस पर भी टैक्स लगा दिया, मतलब आसमान को भी नहीं बख्श रहे ये लोग, उस पर भी टैक्स लगा दिया सोलर पे, कि मतलब अगर बंदा बचाना चाहे अपनी बिजली तो सोलर लगा ले, तो उस पर भी टैक्स लगा दिया। क्या होगा हमारा, क्या होगा इस पाकिस्तान मुल्क का हालात क्या होंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह ही करने वाला है रहम। तो यहाँ पे जल्दी करते हैं पहले काम, और खाना पक रहा है, खाना पक रहा है जी हमारे, आज
स्पेशल मेरा था, मैं बनाऊंगी बीफ और पालक, लेकिन बीफ आज मिला नहीं, आज मंगल को नहीं मिलता तो कलेजी पालक बना लिया हमने। और अभी ना मैं मेरी बहन के हाथ के ना भरे हुए कीमे करेले बड़े मज़े होते हैं, तो बन गई वो बनाओ। और ये मुझे फरमाइश करी आप, ये आप दाल बनाती हो ना वाली खड़े मसूर की दाल, वो दाल बना के खिलाओ। तो मैं कहा तुम मुझे वो खिलाओ, मैं तुम्हें वो खिलाऊंगी। देखो बहन भाइयों में ऐसा प्यार होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहन भाई में बहुत प्यार है। अल्लाह पाक ऐसे बहन भाई में कि तू सबको अता कर, सबको जितने लोग हैं ना ऐसे ही बहन भाइयों में प्यार रख, ऐसे ही आपस में बहन भाइयों में प्यार रखे मेरे मौला करीम। तो मैं इस मामले में बड़ी खुशनसीब हूँ कि हमारे बहन भाई जो है ना, वो कहते हैं ना एक मुट्ठी एक जान, अगर किसी एक को तकलीफ होती है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, हावी हो जाता है उस पर ना। और अगर किसी को तकलीफ होती है तो हम किससे कहते हैं, हमें अपनी तकलीफ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का हमारा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको ऐसे ही रखे। और चलो भैया अब काम में काम निपटाते हैं। फिलहाल एक तो खाना पकाया, बच्चों की रौनक है, वो घर में ऐसी लगी हुई रौनक, माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे यहाँ चहल पहल रहे हैं, यहाँ पे खेल कूद रहे हैं। तो अभी अम्मी जा रही है ना हज पे, तो इसलिए मेरी बहन आई है, तो अम्मी को अलविदा कहने के लिए आई है। और अभी अभी अम्मी ईद पे नहीं होंगी माशाल्लाह, दुख वाली बात नहीं है, खुशी वाली बात है हमारे लिए कि हमारी अम्मी हज पे जा रही है। तो अच्छा है हमारी अम्मी इस बार जो ईद जो है ना बकरा ईद वो करेंगी अल्लाह के घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पर हमें भी लेके जाए आमीन सुमान। रहने बताते हैं पहले काम, मैं आपको दिखाती हूँ पहले अलमारी की हालत क्या हुई। ये जुहा की अलमारी सबसे पहले दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये कल, ये देखें ये मैंने ना, ये अभी थोड़ी सी बेहतर हालत में है, ये भी थोड़ी सी बेहतर हालत में, ज़्यादा नहीं है। और इसका हल देखने क्या हो रहा है, ये जितना मैं करूँ ना उतना ही ये होता है। और यहाँ पे मैंने कुछ इसके जो है ना हैंग किए हुए, और कुछ मैंने यहाँ नीचे रखे हुए, लेकिन जो नीचे रखे हैं ना वो भी जोहा, ये भी हैंग हो गया था, जोहा ने नीचे फेंक दिया है। तो जोहा जो है ना बस कुछ भी नहीं बख्शती है जोहा। और यहाँ पे जोहान के ये अलमारी ने सेट की थी, जोहान की ये भी सेट की थी, थोड़ी बहुत ही ख़राब है, वैसे तो ये सही सेट ही है, थोड़ी बहुत ये ख़राब है बस। ये बाकी जोहान की मैंने बिछौने वगैरह यहाँ रख दी थी, और जो नए कपड़े हो गए वो इसके एक्स्ट्रा कपड़े हो गए थे वो मैंने थैलियाँ भर के यहाँ रख लिया, मैं भी दे दूँगी किसी को ना। तो ये हो गया, यहाँ पे इसके ड्रॉज में सामान है, सब सर्दियों का सामान है, ये भी उठा के थैली में डाल के रखूँगी अभी मैं। चलो जी फिलहाल अभी अपने कपड़े तय करते हैं सारे, उसके बाद जो है इनको इस पर लगाते हैं। चलिए जी यहाँ पे मेरी बहन ने बनाया है खाना, तो सबसे पहले उसने क्या क्या डाला है मैं आपको बता देती हूँ। उसने प्याज को ब्राउन किया, उसमें अदरक लहसुन डाला, फिर उसमें डाल दी कलेजी, उसको अच्छे से भून के सारे मसाले डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी धनिया टमाटर पालक भी डाल दिया, पालक अपना पानी छोड़ेगा उसी में सब कुछ गल जाएगा। फिर उसको उसने अच्छे से भून लिया और मज़ेदार सा पालक और कलेजी बन के रेडी हो गया हमारा। चलिए जी अब खाना खाने की हमने तैयारी, अभी खाएंगे हम खाना, बहुत खतरनाक वाली भूख लग रही है, कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया हमने, खीरे देख पे कैसे मोटे मोटे लेकर आए क्या क्या करते हैं ये लोग कसम से, आदमियों को नहीं लेना आता भाई कुछ भी, ये लोग बनते बहुत वो हैं समझदार, लेकिन इनको कुछ नहीं आता इन लोग को लेना, कोई जो भी दे वो पेल, कोई भी इनको पेल देगा ना सड़ी हुई खराब कुछ भी ले आएंगे। तो पालक अंदर तक तो सड़ा हुआ था, पालक सड़ा हुआ था ऊपर सही था अंदर सड़ा हुआ था, कोई बोलेगा ना ये लोग ये आदमी ले आते हैं, और फिर बोल समझेंगे बहुत अच्छा लगेगा आएगा सामान कि देख लो सही है, इसमें निरे बीज होंगे पानी भरा होगा इसके अंदर, नहीं सही नहीं ना, खूब बीज है, बीज वाले थोड़ी होते हैं नहीं खाने वाले, सूखे सूखे से होते हैं। चले जाओ यहाँ से, देख फिर पेन क्या मेलों में से निकाल के लाइए, जाओ एक मिनट के आज तो मैं जुहा की तबीयत सही साफ करूंगी, मेलों में से निकाल के लाइए, बाप की नजर पड़ते इससे पहले तुम चेंज कर लो, बहुत है एक मिनट का, हाँ हाँ बहुत ही इनफ है, हाँ ये बाद में काट लेंगे, रख दो फ्रिज में, हाँ चलो अब निकालते हैं हम खाना, और खाने खाने की तैयारी करते हैं, बड़ी खतरनाक भूख लग रही है, देखते हैं कैसा खाना बना है आज, बनाया है मेरी बहन ने खाना पालक कलेजी, तो देखते हैं कैसी बनी है। चलो जी यहाँ खा रहे हैं अभी हम खाना, ये है हमारा शाल, अज्जू बज्जू खाना खाने दो, अज्जू बज्जू अभी पता चलेगा, मैं सुने तेल की कमी है थोड़ी, मैं तेल डाल देते, तेल का तुझे मना किया था किसी ने कि तेल मना था हमारे घर में, चलो जी अरे चावल रहेगा, हनी चावल ही लाई ना, चावल लेके जोहान को ये डाल दिया, ये सही क्या गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं जोहान, हाँ सही ऊपर से ना वो गिर जाता है यहाँ से ना, चलो जोहा बैठो, जोहा बैठो आओ। चलो जी यहाँ पे बच्चों की चीजें आ गई है सारे बच्चों की, ये हानिया की है ना सारी, ये सारी आपकी तो नहीं आ रही, ये हानिया की सारी ठीक है, और जोहान को क्या मिली है, जोहान को एक फ्राई हो बस, हानिया सबसे ज्यादा आपकी और जोहा की है, और जोहा की ये दी, जोहा की मैंने द्राज में डाल दी इसमें, ये नहीं ना बेटा ये भी देखो, ये फ्राई हो, ये देखो कुकी का पैकेट,
कुकी का पैकेट नहीं है, पता है इसमें कितनी है? सिर्फ 3-4 होंगे इसमें। ठीक है ठीक है, चलो। जोहान ने अपनी यहाँ रख दी है, जोहान के पास जोहान की चीज है। और देखिए टाइम क्या, मैं दिखा दूँ आप लोग को टाइम क्या हो रहा है, ये देखिए 12:45। लेकिन इन बच्चों के आंखों में नींद नहीं है, हैं इनके क्या, उसके भी नहीं है, और इस बोने के भी नहीं है। बोने 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 वहां पे देखो, बोने दूसरी बोने 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 बोने। चलिए खाना वाना सब खा चुके हैं हम लोग, अब हम करेंगे सोने की तैयारी। अभी मैंने एसी ऑन किया, नहीं करो मोबाइल नहीं लाए, अभी मैंने एसी ऑन किया। काफी लोग बोले थे आप ही आप पूरा दिन, नहीं भाई पूरा दिन कौन, इतने महंगा यूनिट हो गया है पूरा दिन कोई भी चला नहीं सकता है। हम सिर्फ रात में चलाते हैं, 12 बजे चलाया, सुबह उसको 12 बजे तक हम बंद कर देंगे, बस रात में चलाते हैं, ज्यादा नहीं चलाते। अभी तो आज जल्दी चला लिया, वरना हम तो 2:30 बजे चलाते हैं, ये तो आज जल्दी चला लिया मैंने। तो अभी सोने लगे हैं, आपसे मुलाकात करेंगे सुबह उठ के। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।